खुशी डराएंगे। तो ये कहना कि सिर्फ मुसलमान ही आतंकवादी हमले कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है। आप कहते हैं 100%, ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हो। सकता है मुसलमान कर सकते, तो क्यों मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है? बराबर तहकीक करो, मुसलमान रिस्पॉन्सिबल पकड़ो, हम आपका साथ देंगे। लेकिन बेबुनियाद पकड़ना मेरे हिसाब से सही नहीं। अगर मुसलमान कुछ गलत काम करते हैं तो नाम आता है का मुस्लिम टेररिस्ट, बाकी कौन गलत काम करता है तो उसे इलाके से जाना जाता है। मुसलमान चाहे यूएसए में हो, सऊदी में हो, यूके में हो या इंडिया में हो, तो मुसलमान जैसा पहचाना जाता है। अच्छे काम किए तो कहेंगे इंडियन ने अच्छे काम किया, मुसलमान ने नहीं। इंडियन को नोबेल प्राइज मिला, मुसलमान को नहीं। तो डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? मैं ये नहीं कहता हूं कि मुसलमान ने आतंकवादी हमले नहीं किए, कोई भटके हुए मुसलमान हैं जो किए होंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कभी नहीं किए, ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन मीडिया में जब फ्रंट पेज पे आएंगे अक्सर मुस्लिम टेररिस्ट, जैसे बाकी टेररिस्ट कौन है ही नहीं इस देश में, सिर्फ मुसलमान ही टेररिस्ट है। जब तहकीक करते पता लगता है कि सिख टेररिस्ट भी है, बिंदनवाला ग्रुप, और ये सिख टेररिस्ट ने 5 जून 1984 में उन्हें गोल्डन टेंपल को कब्जा किया। इंडियन आर्मी फोर्स जाती है उनको बाहर निकालती, 100 लोग की हत्या होती है। उसके चंद महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 में उस टाइम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की माता श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या होती है। उसकी खुद की सिक्योरिटी गार्ड उसकी हत्या करते हैं। आता है पेपर्स में सिक्योरिटी गार्ड असैसिनेटेड श्रीमती इंदिरा गांधी, कौन था? सिख था। आज भी आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको यह नहीं मिलेगा कि सिख टेररिस्ट ने अटैक किया, पर्सनल बॉडी गार्ड ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसकी हत्या की। आप असम में जब जाएंगे, असम में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, बहुत खतरनाक है। उनका मेन मकसद है, वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू आतंकवादी ग्रुप है, उनका मेन मकसद है कि मुसलमान को मारना, मुसलमान की हत्या करना। और आपको पता है कि चंद सालों में उल्फा, सिर्फ उल्फा ने, ये 2 साल के पहले का स्टैटिस्टिक्स है, अभी अपडेट नहीं किया हूं मैं, 2006 तक के उल्फा ने 749 टेररिस्ट अटैक्स किए। देयर इज नो अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री हु हैज डन 749 टेररिस्ट अटैक्स। 749 टेररिस्ट अटैक्स उल्फा ने किए चंद सालों में सिर्फ। हम पढ़ते ही नहीं पेपर, हमें पता ही नहीं। मैं जब बॉम्बे में पेपर पढ़ता हूं पता चलता है कश्मीरी टेररिस्ट, मुस्लिम टेररिस्ट। जब मुझे कश्मीर लोग काफी बुला रहे थे तकरीर करने के लिए, और मैं सोच जाऊं क्या नहीं जाऊं, जाऊं क्या नहीं जाऊं, फिर 2003 में सोचता हूं मैं जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहां की गवर्नमेंट पूरा इंतजाम करती है, और 14 साल के बाद सबसे पहली बार खुले आम पोलो ग्राउंड में तकरीर करने की परमिशन देती है। माशाल्लाह 1 लाख से ज्यादा लोग वहां मौजूद होते। मैं सोचा था मैं जाऊं क्या नहीं जाऊं, हालात बुरे हैं, मौत का तो डर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के काम के लिए, बस सोच रहा था अच्छी फिजा है कहने गया। मैं फौरन गवर्नमेंट ने मुझे 2 पुलिस ऑफिसर दिए स्टैंड गन के साथ। मैं वहां गया, तकरीर किया, चीफ मिनिस्टर से मिला, गवर्नर ने मुझे बुलाया डिनर के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, काफी मिनिस्टरों से मिला। हालात तो लग रहे थे, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ कि 2 बॉडीगार्ड्स की जरूरत थी। चंद महीने बाद मैं जाता हूं असम में, एयरपोर्ट पे उतरता हूं, उतरते ही 4 पुलिसमैन स्टैंड गन के साथ। 4 पुलिस असम में क्या जरूरत है, असम में 4 पुलिसमैन, वो भी स्टैंड गन के साथ, क्या जरूरत है? जब मैं सड़कों पे निकलता हूं एयरपोर्ट से दूर जाता हूं, फिर एहसास हुआ मुझे 3 दिन बाद कि अगर ये 4 पुलिस अफसर मेरे साथ नहीं होते थे तो शायद मैं आज नहीं होता था यहां। हमें तो पता ही नहीं आसाम की हालत क्या है। आसाम में इतने आतंकवादी हमले हो रहे हमें पता ही नहीं है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं हमेशा।
वहां जाने के बाद पता चला, इंटरनेट पे तहकीक करने के बाद पता चला कि वहां की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस, बहुत खतरनाक। ऐसे कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन असम में, बोडो, मिजोरम में, कई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, मिजोस क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस ऑफ नागा, वो भी आतंकवादी हमले करते। और एक हमला किया था 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर के सन 1984 में 44 सिंधु लोग का कत्ल करते ये क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, और कई लोग को जख्मी करते। खाली क्रिश्चियन लोग ने कितने हमले किए हिंदुस्तान में, वक्त नहीं है क्योंकि 10 बजे तकरीर बंद करना है हमें।